Fever.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने खेमे को मजबूत करने में जुटी है। बीजेपी टीएमसी के दिग्गज नेताओं से लेकर एक्ट्रेस को भी पार्टी में शामिल कर रही है। गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनार बांग्ला मिशन की शुरुआत की। खास बात यह रही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में एक्ट्रेस पायल सरकार को बीजेपी में शामिल कराया गया। पायल सरकार टॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस है। कुछ महीने पहले मिर्च 3 और हेची फिल्मों में उनकी एक्टिंग को नोटिस किया गया था। साल 2004 में एक्ट्रेस पायल सरकार ने अपने करियर की शुरुआत की। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही पायल सरकार ने टेलीफिल्म्स में काम करना शुरू कर दिया था। बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर अनुराग बासु की हिंदी सीरियल लव स्टोरी बक्त और लेडीज स्पेशल में भी पायल सरकार नजर आ चुकी हैं। पायल सरकार पॉपुलर बंगाली मैगजीन 19 कुरी के कवर पर भी दिख चुकी हैं। 2010 में आई फिल्म ले चक्का के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का आनंद लोक अवार्ड मिला था। 2016 में भी पायल सरकार को जोमेर राजा दिलोबोर फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। हालांकि पायल सरकार के साथ विवाद भी जुड़े। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। पिछले साल सफेद शर्ट में पायल सरकार की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। उस तस्वीर पर काफी बवाल मचा था। बड़ी संख्या में यूजर्स ने तस्वीर पर भद्दे कमेंट्स किए थे। हालांकि पायल सरकार ने तस्वीर विवाद पर कुछ नहीं बोला था। पायल सरकार टॉलीवुड के अलावा बॉलीवुड में भी नजर आ चुकी हैं। 2006 में बंगाली फिल्म बीवर से करियर की शुरुआत करने वाली पायल ने 2015 में कुणाल खेमू के साथ बॉलीवुड मूवी गुड्डू की गन में काम किया था। बीजेपी ज्वाइन करने वाली पायल का कहना है कि अभी तक उन्होंने लोगों को एंटरटेन किया है, अब लोगों के लिए काम करने का वक्त आ गया है। अब यह आने वाले कल में ही पता चलेगा कि रियल लाइफ की फेमस एक्ट्रेस रियल लाइफ में कितनी फेमस होती हैं, क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं होता है। इस अपडेट में इतना ही। बंगाल चुनाव से जुड़ी हर बड़ी हलचल के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।